हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बासी मुबारक हो। जी, बासी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आज हिना के घर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि आज हमारी वहाँ पे दावत है हिना के घर पे, तो हम हिना के घर जा रहे हैं। बहुत लेट हो चुके हैं, उन्होंने हमें 4 बजे का टाइम दिया था, बट 5 बज चुके हैं घर पे ही, तो बस हम निकलने वाले हैं। इनका मेकअप पूरा नहीं हो रहा था तो इस वजह से लेट हो गया। नहीं, मेकअप नहीं पूरा हो रहा था, गर्मी बहुत लग रही है। और मेरा सूट देख के आप देख सकते हैं, देखो मेरा सूट इतना हैवी है। और मेरी मम्मी ने कहा, जो मेरी सासू मम्मी है, नहीं यही पहन के जाओ। और मेरा मन था मैं कॉटन वाला सूट पहन के जाऊँ। और आप समझ सकते हो, लड़का तो समझ सकती थी, गर्मी हैवी चीजें वेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका कह रहे तो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन लिया। हमें तो गर्मी लगती नहीं, हमें तो सर्दी लगती है रोज। तो बाकी वहाँ पे मेरी फैमिली भी आ रही हैं, मेरी फैमिली की भी दावत थी। तो मैं वैसे मैं आज अपने घर जाती, लेकिन मेरी फैमिली वहाँ आ रही है, तो मैं सीधा वहीं जा रही हूँ, जाफराबाद अपनी सिस्टर के घर। तो शायद हम लोग कल वहाँ जाएं, कल चले जाएंगे इनके घर। हाँ, बाकी आज इनका मूड ठीक नहीं है, दिख रहा होगा सकल पे 12 बज रहे हैं, तो गर्मी बहुत लग रही है इस वजह से थोड़ा सा। मेरा सोचो मुझे कितनी गर्मी लग रही होगी। तो गाइज, अब हम लोग निकलते हैं, तो बाकी जो भी आगे की अपडेट होगी मैं नेक्स्ट क्लिप में देती रहूँगी। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ बुरखा पहनने, उस पर से बुरखा भी पहनना है और मैं थक चुकी हूँ। बाहर मौसम ठीक है, बाहर थोड़ी हवा सेट कर, बाहर थोड़ी हवा लगेगी, बाहर मौसम ठीक है। हाँ, बारिश हो रही थी, मैं तो बहुत खुश हो रही थी कि बारिश हो रही है, बट बारिश नहीं हो रही है। चलो, फिर भी मैं अपना सूट दिखाती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बकरा ईद पे ये वाला सूट दिलाया है। अच्छा है ना गाइस, मैं बहुत खुश हूँ। और चूड़ी वाली लेने गए थे मैंने, पहन रही चूड़ी और मेहंदी तो खैर मैंने नहीं लगाया। तो हम दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। आज मैं ठीक लग रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। चलो बाय बाय गाइस, अब हम निकल रहे हैं, इन्होंने स्कूटी बाहर निकाल ली है, अब हम यहाँ से मिठाई लेने जा रहे हैं। गाइस, मिठाई ले रहे हैं दुर्गा स्वीट से। जाफराबाद क्यों जा रहे हो? दावत में बुलाया है। किसी ने मेरा फोन छीन लिया तो मैं पकड़ लूंगा उसको। गाइस, अभी हम निकले हैं, तो हमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो बहुत गर्मी है, बहुत हालत बुरी है। आज का क्लोनी ब्लॉक है, पूरा जाम लगा हुआ है, हमें गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी। देख सकते हैं हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं। और ये देखिए राजघाट, हम यहाँ से जाएंगे अब वापस कौन से जगह से, इस्लामपुर से होते हुए जाएंगे, लोहे के पुल से जाएंगे। आप देख सकते हैं सब वापस आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जल्दी जाए और लेट हो। भाई लोगों, नूर मैडम आम ले रही है अपनी बहन के लिए, उनकी बहन को आम बहुत पसंद है, मतलब इनकी पूरी फैमिली को आम बहुत पसंद है। और हेलमेट जरूर कैसे लगा रखा है, चाचा से आम ले लिए इन्होंने। हेलमेट देखो, हेलमेट, आम पूरी फैमिली को पसंद है तुम्हारी। हाँ, फेवरेट है हम लोगों का। फाइनली हम हिना के घर आ चुके हैं, फिलहाल हम उसकी गली में खड़े हैं, हमें ऊपर जाना है 4th फ्लोर पे। और ये गाड़ी में हेलमेट रख रहे हैं, लेकिन ये बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। क्या हुआ? हेलो, गर्मी लग रही है यार, गर्मी लग रही है, एसी लेके चला जाओ ना साथ में। तो हम हिना के घर आ गए फाइनली, 4th फ्लोर चढ़कर ये थक गए, अब हम एंट्री करेंगे। हेलो, आज
अस्सलाम वालेकुम। ये पूरी फैमिली बैठी हुई है, छुप गए। अम्मी इसमें गोश है, फ्रिज में रख दो। तो नेहा क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। पहले आगे बैठ गई, तो क्या बाद में क्या बैठूँ? आयुष की मम्मी तो ठीक ही रहती है माशाल्लाह। हेलो हेलो, मुझे लगा तोहफा वगैरह चाहिए। ये दोनों बहनें चुगली कर रही हैं एक दूसरे की, ये पता नहीं किस किस की चुगली कर रही हैं। भला होगा, दे दो प्लीज। आपको अल्लाह बहुत फोन देगा मेरे साथ में। नया फोन लेके जाए हो तो काम करने, तो मेरे को दे दो नया फोन। नहीं, क्यों? अपना दे दो यार, अपना ही दे दो। तुम चाहते नहीं हो फेमस हो, तुम चाहते नहीं हो फेमस हो, ठीक है? भिखारी उठ के आ रहा। तो गाइस ये मेरी नेहा बहन है, सिर दिखावा आई है, ठीक है? नहीं सीरियस मत लेना। ईद वाले दिन मेरे को ये बात बहुत अच्छे तरह से याद है, ईद का सूट ना उसने उसके लिए लेके आई थी, मेरे लिए लेके नहीं आई थी। नहीं हाँ बस, और उस लड़की ने पहना भी नहीं वो सूट। ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए भी सूट लिया जाएगा, समीर खुद जाएंगे सूट खरीदने। बस उसके बाद उनका और भरोसा नहीं है, इतना मक्खन मत लगाओ हमको, ठीक है? इसने मेरे सामने बोला, मैं वहीं बैठी हूँ, कह रही है कि ना मैंने जूही के लिए सूट लाई हूँ ईद का। मैंने बोला मेरे लिए, मैं कोई बात नहीं बेटा। ये वाला सूट कौन सी पटरी से लिया था? टैग दिखाऊं अभी? दिखाओ। वो घर के रखा हुआ है। गाइस मैं छत पर आई हूँ, इस वक्त शाम के 7:30 बज रहे हैं। ये हिना की छत की लोकेशन है और ये समीर है। बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हो ना? क्योंकि अनस भाई है नहीं। और ये देख सकते हैं आप, नेहा वीडियो बनाने में व्यस्त है, रील्स बना रही है अपनी छोटी सिस्टर की, अर्शु की अम्मी की। और कैसे अब उसके पास स्लो मोशन है। अर्शु ब्रूम ब्रूम, अर्शु बाइक चला रहा है ब्रूम ब्रूम। और ये हम दोनों हैं, ये नाराज है किसी बात पे, बट गाइस मुझे बता नहीं रहे किससे नाराज है। क्या हो रहा है? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना, लपेट लो। इस सवाल का जवाब कौन देगा बताओ? मौसम अच्छा है या तुम से कम है? गर्लफ्रेंड आपकी वो तो वीडियो बताएंगे अगली। बहुत देर होगी कब आएंगे? ओहो वालेकुम सलाम। बताओ हम जिसके घर में गेस्ट आए हो खुद ही बाहर से हम आ रहे हैं, कहाँ घूम कर आ रहे हो हस्बैंड वाइफ? अच्छा और हिना मैडम कैसी हो? आते चीजों को पंखा करने लग गई। गाइस ये हमें हो गए 1 घंटे, 6 बजे आए थे, 8 बज रहे हम। गाइस देखो 8:30 हो रहे हैं और जिनके घर में हम आए हैं, हमने आपको दोपहर में बुलाया था, 6 बजे निकल गया दोपहर में। सॉरी उसके लिए, बट ये बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और ये बहुत फेमस है। और गाइस इनके $100 से ऊपर हो गए लेकिन पैसे नहीं बता रहे हैं मुझे। कितने पैसे हो गए? 105 या 106 डॉलर। 100 डॉलर का ये बढ़िया है।
नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे तो $20 है गाइस अभी, इनके इनसे 80 कम हूँ मैं भी, फिर मुझे पैसे मिलेंगे मैं पार्टी करूंगी। पैसे आ गए उन्हें मौज पे, क्या कर रहे हैं कुछ भी मत बताओ, सबको फॉलोअर्स को मत बताओ। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, आप खाना खा ले, 8 बज गए है ना। चलो गाइस ये हिना की सासू मम्मी है, हंस रही है इधर तो फेस दिखा के हंसी, और ये काम में बिजी है जब से, और हमारी वजह से कितनी मेहनत कर रही है देखिए। नहीं, ये तुम्हारी अम्मी आपकी सब बहुत तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छी ब्लॉग बनाने में हेल्प करते हो इस भाई की, और लड़कियां बहुत खुश होती कहती ऐसी सास हमारी भी हो जी। तो गाइस अभी खाना लग रहा है, चुकी है। सलाम तो कह दो,
और मेरी मम्मी दे चुकी है, मम्मी बोलो हाँ दे चुकी हूँ। कितने पैसे हो गए? ये देखो मेरी मम्मी ने भी दिए और हिना की मम्मी ने भी दिए। पैसे इकट्ठे करने आते हो? और अनस भाई आपको सिर्फ 500 रुपए मिले। ये 500 रुपए मिले अनस की मम्मी की तरफ से गाइस। हमारे पैसे भिजवा देना सही है। अरे तुम तो दो क्यों दिया? वो तो अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे पैसे भिजवा देना, कुरियर करवा देना, पहले को भी नहीं दिए। जमा कर लो बैंक में, जमा कर लो हमारी बहू के पहन जाती नए नए। यार मैं तो सिर्फ बोल रही थी यार, अगर तुम दे रहे तो भी ठीक, नहीं दे रहे तो भी तो गाइस हम आ गए जाफराबाद से दरियागंज, आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे क्योंकि ये खा रही है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम और मैंने मनवाया है ड्राई फ्रूट शेक। तो हम यहीं पर ही अलविदा करते हैं। ठंडी है, ज़्यादा ज़्यादा ठंडी है आइसक्रीम। मैं थक चुकी हूँ, मन नहीं कर रहा। मैं भी थक चुका हूँ, आइसक्रीम खा ली और यहीं पर ही बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।